नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भागलपुर नगर निगम पर पिछले एक सप्ताह से जारी संकट अब टल चुका है। 28 पार्षदों की तरफ से हस्ताक्षर कर जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे वो लंबी चर्चा के बाद अब खारिज भी हो चुका है, जिसके बाद वहां भागलपुर में मौजूद मेयर सीमा शाह के साथ साथ उपमेयर राजेश वर्मा अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। जैसे ही ये जानकारी उन दोनों को मिली उसके बाद से ही उनके कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और सभी लोगों ने उन दोनों को पुष्प का माला पहनाकर मिठाइयां बांटकर खुशी भी मनाई। तस्वीरों में आप खुद देख पा रहे होंगे किस तरीके से जोश लोगों का दिखाई दे रहा है, कैसे वो सभी लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर सीमा शाह से भी बातचीत की गई तो उन्होंने सीधा सीधा हमला कई सारे लोगों पर बोला है, सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज हमको लगता है 2 महीने 6 महीने जो भी हुआ उसमें नगर आयुक्त महोदया से बात भी हुई थी, वो पे हम लोग कायम हो रहे हैं। काम भी मतलब जो आप सिस्टम पे था वो काम सिस्टम पे आ चुका है, ऐसी बात नहीं। और जब जब सिस्टम पे आती है तब तब बाधा डालती है, ये भी बात है। जब जब काम की सिस्टम पे आती है उस समय बाधा डाल, तो सिर्फ वो उलझाने का काम होती है, तो काम आगे नहीं दिन हाँ काम होती है, सिर्फ उलझाने का काम। तो सुना आपने, सीमा शाह ने ये कहा गया है कि साजिश के तौर पर ये सब कुछ किया गया था, लेकिन अब उनकी साजिश नाकाम हो गई है। साथ ही साथ वहां पर मौजूद उपमेयर राजेश वर्मा ने भी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के साथ साथ कई सारे बड़े नेताओं पर जमकर जुबानी हमला बोला है, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। राजनीति के तहत हम लोगों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की जो नींव रखी गई वो भागलपुर विधानसभा चुनाव के दौरान रखी और रखने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, भागलपुर के विधायक और पूर्व के महापौर, इन तीनों लोगों ने मिलकर जहां राज विधानसभा चुनाव में गोड्डा सांसद और नगर विधायक अलग अलग नज़र आ रहे थे, वहीं हम लोगों के ऊपर अविश्वास लगाने में दोनों तीनों एक साथ नज़र आ रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी उम्र 28 साल है, जितना उनका राजनीतिक तजुर्बा है, अगर तीनों लोग परेशान हो गए और तीनों लोगों को दिन रात एक एक पार्षदों के घर जाना पड़ा, कॉल करना पड़ा, विनती करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि मैंने शहर में कुछ तो बेहतर काम किया है कि उनकी नींद और चैन हराम हो। साथ ही साथ मैं गोड्डा के सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अविश्वास के अगले दिन लिखा था पूरे विश्वास के साथ अपने फेसबुक अकाउंट से कि एक था उप भागलपुर, अब आप सोच सकते हैं कि उनका आक्रोश कितना था कि महापौर साहिबा सिर्फ मेरे नॉमिनेशन में आ गए इसलिए इन तक को नहीं छोड़ा। जिला परिषद इस अविश्वास में जिला परिषद अध्यक्ष हमारे साथ थे तो उन तक लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हुई। आज हम लोग के विरोध में 22 पार्षद यहाँ मौजूद थे, 28 पार्षद हमारे हित में थे, 22 पार्षदों ने भी अंतोगत्वा जब उन्होंने आरोप जो लगाया उस आरोप पर हम लोगों ने जब अपनी जवाब को रखने का काम किया, उन्होंने आरोप लगाया कि हम पार्षदों का सम्मान नहीं करते हैं। मैंने उनका जवाब दिया कि यही शहर के वो पार्षद हैं जिनके घर के बाहर पानी के लिए लोग आंदोलन और विरोध करते थे, तो हमने एक तरफ पदाधिकारी से लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ उनके सम्मान को बचाने के लिए अपने तरफ से बोरिंग गड़वाने का काम किया। हम लोगों ने हमेशा सम्मान दिया, सभी बातों को इसे रखा, उसके बाद सभी जो बचे हुए 22 पार्षद थे उन्होंने भी हम लोगों को अपना समर्थन दिया। तो सुना आपने, इन सभी लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि भागलपुर नगर निगम सही तरीके से काम कर रहा है और ये जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत लाया गया था। हालांकि अब वो सभी लोग अपना कुर्सी बचाने में सफल रहे तो अब ये साजिश कहीं ना कहीं टल चुकी है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।